नहीं ना पापा, मेरे को जाना है विंटर शॉपिंग करने, आप बस चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सो यार मैं आप सबको क्या बताऊं, मैं इतनी खुश हूँ और मेरी खुशी की वजह है कि जैसे जैसे दिन कट रहे हैं ना, वैसे वैसे गांव जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं और मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं कब गांव जाऊंगी, कब जाऊंगी, तो जल्दी जाऊंगी, अभी बस थोड़े ही दिन बाकी है गांव जाने के लिए। सो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है ना, आप सबको मैं बता दूं कि मैं जा रही हूँ उत्तर प्रदेश अयोध्या, जहाँ पे अभी है ना बहुत तूफान, ठंड होगी। और हमने ना गांव में फोन करके भी पूछा तो बहुत ज्यादा ठंड है, ऐसे बोल रहे हैं। और हमको जाने के लिए अभी और दो चार दिन है, तब तक तो और ज्यादा ठंड पड़ चुकी होगी, पता नहीं क्या होगा हमारा। यार तो मॉल में जो हमने ना विंटर वेयर की शॉपिंग की ना, वो तो कुछ भी नहीं, उसमें तो हमको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। और वो तो मैंने ऐसे टॉप, टी शर्ट, बड़े बड़े हुडीज ले लिए थे, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। अब हमको है ना एक्चुअल विंटर वेयर की शॉपिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि ग्लव्स, बड़े बड़े स्वेटर, बड़े बड़े जैकेट यार, क्योंकि फैशन वैशन गया तेल लेने, वहां पे ना स्वेटर, ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह पहन के बैठना पड़ेगा। इतनी भयानक ठंडी होती है ना यूपी के साइड, जितनी यूपी के लोग हैं आपको तो पता ही है कि कितनी ठंड होती है वहाँ पे। तो अभी मतलब मुझे को समझ नहीं आ रहा कि मैं पापा को कैसे बताऊं कि आज हमें एक्चुअल विंटर वेयर की शॉपिंग करनी है। मतलब जो मॉल में से हमने शॉपिंग की ना, वो विंटर वेयर की शॉपिंग है ही नहीं, वो वेस्टर्न वेयर की शॉपिंग है। पापा तो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे, पूरा घर है ना सिर पे उठा लेंगे। तो चलो ठीक है, होप कि पापा मान जाए मार्केट जाने के लिए और विंटर वेयर की शॉपिंग हम कर सके। पापा के लिए भी तो स्वेटर्स वगैरह लेने हैं ना यार, और मम्मी के लिए भी, मेरे लिए भी अच्छे अच्छे स्वेटर्स लेंगे, बड़े बड़े जैकेट लेंगे। अभी आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी करो करो। यार मेरे को बहुत आलस आ रहा है आज, पता नहीं क्यों, वो तो हमेशा का ही। क्या हुआ पापा को? पापा शक्तिमान की एक्टिंग कर रहे हैं। उससे तो मैं बच गया हूँ। पापा करो ना फिर से एक बार, प्लीज प्लीज, मेरे को भी देखना है। अरे नहीं नहीं, वो एकदम उसका गला दुख रहा है, तो वो सब बोर बैठा लेती, तो मैंने उसको शक्तिमान की एक्टिंग करके दिखाई, उसकी खांसी गायब हो गई। मेरे को भी दिखाओ ना, मेरे को भी देखनी है, प्लीज दिखाओ। अरे वो वीडियो में नहीं, नहीं 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 दिखाओ, नहीं ले रही मैं वीडियो। हाँ दिखाओ। चल ठीक है ना, जो वीडियो देख रहे ना बच्चों, ये बच्चों के लिए है कि चलो बच्चे भी खुश। ये है ना किड्स, सिर्फ आपके खुशी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। शक्तिमान हम सबका फेवरेट है, लेकिन एक देखा बहुत मजेदार था, शक्तिमान हमारा सुपर हीरो था। यस हाँ, लेकिन ये जितने भी किड्स यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं ना, ये सब ये एक्ट उनके लिए, ठीक है। तो शक्तिमान के ऊपर है ना अटैक होता था ना, ऐसा कीड़ा वीड़ा बड़ा कोई तो भी ऐसा मॉन्स्टर अटैक करता था उसके ऊपर, तो शक्तिमान को है ना कैसा, बाद में शक्तिमान तो हरा देता था, लेकिन पहले जब थोड़ा सा मार खाता था तो क्या कैसा होता शक्तिमान को, उनको उसको मार लगता था, कोई ऐसा अटैक आया था, ये मुझे क्या रहा है, अगर इस देश शहर का क्या करूं, ये मेरी शक्तियां, मुझे मुझे बच्चों को बचाना ही होगा, मेरी जान ले लेगा वरना वो राक्षस डॉक्टर से कॉल कर भेजा हुआ राक्षस बच्चों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देगा। मुझे वहां पहुंचना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी शक्तियों को क्या हो रहा है, मेरी शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। ये मैं ठीक से घूम नहीं पा रहा हूँ, मुझे पहुंचना होगा। शक्तिमान उठा, उठा शक्तिमान, बच्चों को बचा। गीता 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 गीता, जाओ बच्चों को यहाँ से दूर ले जाओ गीता। नहीं नहीं, मुझे 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 अपनी योग साधना से अपनी शक्तियों को जगाओ, डॉक्टर जगाओ। गीता तुम मेरी चिंता मत करो, कैसा लगा? बहुत सही था, एकदम एग्जैक्ट।
और मम्मी का भी गीता विश्वास एग्जाम ऐसे ही बोलती है वो, है ना? फिर उसके बाद में जब शक्तिमान किया ना, जब वापस आ जाती ताकत वापस आ जाती तब वो फिर डायरेक्ट ऐसा सारे चक्र वक्र आ जाते और फिर सब शक्तिमान ऑल राइट हो जाता है। जयकॉल के सामने पहुंच जाता और फिर जयकॉल बोलता मैं आ गया हूँ जयकॉल, और जयकॉल चौंक जाता कैसे क्या वाह वाह किस किस का शक्तिमान देखा है बताओ कमेंट में। बुराई की जीत सच्चाई पे कभी नहीं हो सकती, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए उसको एक ना एक दिन हारना ही पड़ता। ठीक है अभी गीता, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा इंटरव्यू फिर कभी। शक्तिमान चला गया मुझे हमसे मिले बिना, वो हमसे युद्ध किए बिना चला गया। अरे हम शक्तिमान को मिल लेते ना, उनसे ये सवाल करते वो सवाल करते, लेकिन देवी जी शक्तिमान चला गया। क्या वो सचमुच यहाँ आया था देवी जी? आया था। पापा कितनी मस्त एक्टिंग कर लेते बताओ कमेंट्स में, है ना? सही था ये, बहुत मस्त था। अभी मैं तुमको सिखाता कि मैं ऐसे सोफे पे कैसे बैठने, ऐसे सोफे पे ऐसे कूद जाने, ऐसे सीधे फिर उसके बाद में ऐसे सोफे पे चढ़ने का, ऐसे उसके बाद में ऐसे देखने का कहीं पापा तो नहीं देख रहे, और उसके बाद में मैं तो आजकल है ना इधर ही सोने लगा, मैं इधर ही अभी है ना दीदी है ना थोड़ी देर में अभी है ना दीदी मार खाना ले। बहुत ही खुशी का माहौल है, पापा बहुत हंसा रहे हैं हमको, जोक वगैरह कर रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि यही सही मौका है पापा को ये बताने का कि हमको है ना विंटर शॉपिंग करने लेके चलो। आई नो पापा बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन चलो ठीक है, हिम्मत करके चलते हैं पापा के पास। पापा क्या कर रहे हो आप सब लोग? क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो कृष्णा को? अरे मार खा क्या है, मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं बच्चे, स्कूल में मार खाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं मानता। देखो पापा उसको और प्रोत्साहन दे रहे। कल क्या बोला मालूम है क्या? मैंने बोला होमवर्क कहाँ करता तू, घर पे करता कि स्कूल में करके आता? बोलता दिमाग में करता होमवर्क। कहाँ करता तू होमवर्क? दिमाग में। तो मैं क्या करूँगा, मैं तेरे को ना कैसे मारूंगा, कैसे और मैं बोलूंगा कि मैं तेरे को नहीं मारा, मैंने तो तेरे पैर को मारा। जैसे तूने होमवर्क दिया किया वैसे मैंने मार तेरे पैर पे दिया। अच्छा सुन कृष्णा, मैं क्या बोल रहा, क्या बोलते सुनो आप भी। फट करके ना वैसे बड़ा होके शादी करके आता क्या? शादी करके ना तो वैसे अच्छी बहू लेके आता क्या हमारे लिए? फिर ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम। हाँ कृष्णा जब 21 साल का हो जाएगा ना, 21 साल के फर्स्ट डे पे कृष्णा की शादी कर देंगे हम। वाह बच्चे खुश, ये तो खुश हो रहे, चेहरा देखो इसका, अच्छी खासी लड़की देख के एकदम मस्त लड़की देख के तेरी शादी कर देंगे। और फिर तुम हमको है ना बहू लेके आना, और क्या बोलते है हमको ना दादा दादी बना देना, ठीक है? जल्दी बना देना। क्या लगा नाटक? स्वेटर नहीं लेना है क्या? अब गांव में इतनी ठंडी हो गई तो स्वेटर लेना पड़ेगा ना। तो उस दिन मॉल में जाके क्या लिए? मतलब कितना तुम
कितना बोलना तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हें इतना दिमाग खराब करते मेरा। अरे स्वेटर मतलब जो पुराने जमाने के स्वेटर नहीं, उलन वाले। अरे चुप बैठ। तो उस दिन मॉल में तुम यही बोल के गए थे ना कि विंटर शॉपिंग, ठंडी के कपड़े, ये वो, तो तुमने उस दिन पूरा 20-25 हजार रूपए क्या करके लेके आए? वो तो वेस्टर्न स्वेटर हो गए उसके लिए, हुडी वगैरह, नॉर्मल भी स्वेटर चाहिए। उसकी गलती नहीं है, पापा थोड़ा धीरे, तू जिम्मेदार है इसमें। कोयल सी तेरी बोली। मम्मी ने क्या किया? वो कुछ बोली नहीं, तू ही बोल रही वो अलग कपड़े है, वो अलग कपड़े है। हाँ तो पापा मॉल में से अलग कपड़े लिए ना हमने। तो तुम विंटर शॉपिंग का को बोल के लेके गए थे उधर? हाँ तो यानी कि तुमने 20-25 हजार रुपए उस दिन खर्चा करे और उसमें तुम्हारा विंटर शॉपिंग में के कपड़े नहीं है उसमें, है ना? है ना, बहुत सारे। हाँ है बट और भी तो अभी अभी क्या आपके लिए भी लेना है? मेरे को छोड़, मेरे को कोई लेना देना नहीं उसका। मेरे को तो लेना पड़ेगा ना। ए शादी कैंसिल। उसकी शादी क्यों कैंसिल कर? पड़ गया उसकी शादी कैंसिल। नहीं बच्चे कैंसिल नहीं हुई, इसके बाद करूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरा चालू है क्या मोबाइल? बंद बंद कर दिया, बंद कर दिया। मेरे को है ना कहीं जाना नहीं है और कोई विंटर शॉपिंग है वो कुछ करनी नहीं है। अरे पापा जब हमने गांव में कॉल किया उन्होंने बोला बहुत ठंड है तो वो काम नहीं। अरे बाबा तुमने कर लिया शॉपिंग, हो गया ना, अभी पुराने कपड़े निकालो, स्वेटर वेटर निकालो, पहनो, बस बात खत्म। मेरे दिमाग खराब मत करो। पुराने स्वेटर नहीं है घर में, चलो बस आप साथ में, आपके लिए भी स्वेटर लेंगे। मेरे को कुछ लेने का नहीं, तोहफे भी लेंगे। चुप। नहीं ना पापा, मेरे को जा रहा है विंटर शॉपिंग करने, आप बस चल। चल निकल निकल। हाँ मेरे को जाने का विंटर शॉपिंग करने, मैं जाऊंगी अकेले जाऊंगी मैं। यार बहुत जोर से पड़ गई मैं तो, इसलिए इतनी ज्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए। बट यार मेरे को चाहिए ना विंटर के कपड़े, इतने दिनों बाद मैंने फटका खाया है पापा के हाथों से। आखिरकार पापा को चलना ही पड़ा, मैंने मार खाया, सब कुछ हुआ, इतनी सारी जिद भी की, लेकिन चलना तो पड़ा है ना पापा। मेरे आगे किसी की चलती है क्या? हाँ मम्मी के आगे कोई बोल सकता है क्या? तेरे माँ के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? तेरी माँ। तो देखो अभी हम लोग आ गए हैं विंटर वेयर लेने के लिए, यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। चलो ना स्टार्ट करो ना। देख रहे कौन सी दुकान से लेना चाहिए। यस चलो चलो, यहाँ पे बहुत सारे शॉप से देखो। अभी हम है ना फुल कंफ्यूज हो गए कि हमको कौन से शॉप से क्या क्या लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है। मम्मी मुझे है ना इस बार पिंक या फिर ब्लैक कलर में कुछ दिला देना। ठीक है। ये अच्छा लग रहा है आपको? पर बहुत महंगा बोल रहे हैं। एक बार पहन के देखो ना। ये प्रिंटेड। हाय पापा। 2180 बोल रहे हैं। इसका 2180 रुपए बोल रहे हैं, पहनो आप इसको एक बार। ये लेडीज वाला है। आपको कैसे कलर का चाहिए बताओ हमको स्वेटर? कोई भी कलर चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तुम्हारे लिए पहले लो, बाद में मेरे लिए ले लेना खाला कोई भी। अभी है ना सबसे पहले हम स्वेटर पापा के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है, हम हमारे लिए जल्दी जल्दी ले लेंगे स्वेटर। हाँ ऐसे ही कलर में देखो पापा को, ऐसे ही कलर। ठीक है ये वाला सॉफ्ट लग रहा है। लाओ पापा को इधर, पापा इधर आओ, देखो आ जाएंगे। अरे लड़की के जैसे दिख रहा है। नहीं नहीं दूसरा देखो, प्लेन सिंगल कलर देखो, सीधे सीधे कितना सही, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। इसमें पापा को ठंड भी नहीं लगेगी। अरे आ जाएंगे। नहीं पहन के देखो कैसे लग रहा है। हाँ ना पापा, वाओ कितना सही लग रहा है, देखो हमने बराबर चॉइस किया। हाँ सॉफ्ट है ये। अंकल तो थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं दे रहे, फिक्स है बोल रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही मीटिंग में सब फिक्स कर, कोई इससे कम बेचेगा नहीं। हाँ। उन्होंने डिस्कस कर लिया वाला है पूरा। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, ये कैसा है वो? एकदम गर्म आता है, ठंडी बजे तो 3 डिग्री में चलेगा, 2 डिग्री में -10 कश्मीर में। ठीक है मम्मी ले लो ये। वाओ ये देखो ये पिंक वाला एक स्वेटर अच्छा लग रहा है मुझे, जैकेट जैकेट सॉरी। अरे मेरा हाथ अच्छा नहीं है ये, देखो ये कैसे लग रहा है, ये जैकेट सही लग रहा है क्या? मुझे इसका कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी ये देखो
अच्छा है। एप्पल का लोगो कहाँ से लाई तू इस पे? और इस पे H&M का लोगो भी है, ये देखो। ये ले लो मम्मी। क्या हुआ, अच्छा तो लग रहा है। देखो मम्मी को है ना, ये एक स्वेटर अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी अच्छा है और मम्मी पे सूट भी हो रहा है। देखो अब हम लोग है ना शॉल देख रहे हैं, ये है पिंक कलर की। ओके ओके समझ ला वाला। एक कोना कोना वाला मराठी है सांगा तो। देखो अभी है ना ये वाला स्वेटर देख रहे हैं मेरे लिए, एकदम सॉफ्ट वाले, बहुत सॉफ्ट है। एक पहन के दिखाती हूँ। देखो ये कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसमें इतनी ठंड नहीं लगेगी और ये कलर भी अच्छा है। पापा से पूछ लो, जैसे बैठ के ले ले। पापा कैसे हो रहा है, जल्दी चलो, हो गया तो। देखो मुझे ये वाला स्वेटर अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले रही हूँ। और आप कौन सा ले रहे हो? मम्मी को ये जो ट्राई किया था ये स्वेटर अच्छा लग रहा है, और पापा के लिए ये वाला स्वेटर। पापा यहाँ पे बैठ के बहुत बोर हो रहे हैं बेचारे। छोटा बाला ला। हाँ ये हम चिकू के लिए ले रहे हैं, देखो कितना क्यूट है ये। मैं तो ये कलर बोल रही थी लेकिन मम्मी को पिंक कलर अच्छा लग रहा है। चिकू को स्वेटर की गरज नहीं है। अरे यार ठंडी नहीं होती दादा, तुम मत लो। लेकिन फिर भी ऐसे पहनने के लिए जरूरत नहीं है, इसको कंफर्टेबल रहने दो ना। जबरदस्ती ठंडी आके चलो उसको स्वेटर पहनाने का, नहीं यहाँ ठंडी होती है नहीं तो तुम क्यों उसको जबरदस्ती पहना रहे। हाँ बात तो सही है, लेकिन ले लिया हमने 4,330। वाव ये देखो नहीं कितना क्यूट है। अरे इतना बड़ा मत ले, बड़ा है देर मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा है। देखो हम ना हैंड ग्लव्स भी ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी। हाँ ठीक है पापा। अरे आ गया वो, उंगली अलग है। हाँ ये कंफर्टेबल है। अब आप पापा की बार्गेनिंग देखना, सीधे आर्या पार वाली बार्गेनिंग। तीन क्वालिटी सब सबसे रेट बोले यार, जो मैंने सुन के ले लेना तुरंत ही। कितने लेना, एक लेना दो लेना? ये और ये अच्छा है क्या, दिखाओ। है मम्मी की शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही यार, बस करो ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे मैंने ये वाली तेरी पसंद की तो हां ले ले, अच्छी दिख रही। ले पहले अच्छी नहीं दिख रही थी, अभी तूने पहने अच्छी दिख रही। ले ले आप अच्छी दिख रही टोपी। मैंने पहनी थी तो तब भी अच्छी दिख रही थी। अरे नहीं ये अच्छी दिख रही थी पिंक वाली, ये ले ले। ये पिंक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। ये पता टोपी किसके लिए ली है मम्मी ने? मामा के लिए। चीकू के लिए ली है। चलो 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 तुम बस हो गया, शाबाश चलो। हाँ बिताती हूँ मम्मी एक्स्ट्रा शॉपिंग करती है। चलो दिखाओ क्या क्या लेके आए आप। ये देख कितने सारे कैप और ये बंदर वाली टोपी, ये सब लेके आई है मम्मी। ये भी क्या बताओ किस किसने बंदर कैप पहनी है, मैंने भी पहनी। अब बस कल जाएंगे थोड़ी सी सुपरमार्केट की शॉपिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे एंड परसों निकल जाएंगे हमारे गांव। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना।